दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में कई सारे फोटोग्राफर्स हैं जो प्रतिदिन कुछ ना कुछ खास फोटो खींचते रहते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही यूनिक होते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि इंसान के दिमाग में बहुत ही गहरा असर छोड़ जाते हैं। गाइस, आज हम भी एक ऐसे फोटोग्राफर के बारे में जानेंगे जिसकी खुद की खींची हुई फोटो ने उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। जी हां गाइस, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, ये फोटो फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने 1993 में सूडान में खींची थी, जिसमें एक बच्चा भूख की वजह से मरने वाला है और गिद्ध बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा है। गाइस, इस फोटो के लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला था, लेकिन उस दृश्य से केविन इतने परेशान थे कि अवार्ड मिलने के 4 महीने बाद ही उन्होंने 33 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था। और गाइस, सुसाइड करने से पहले उन्होंने सुसाइड नोट में उस दृश्य का जिक्र किया था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।